तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में ऐतिहासिक धरोहरों की जमकर अनदेखी की जा रही है। गांधी मार्ग पर दीनदयाल पार्क में स्थापित ब्रिटिशकालीन रोड रोलर नगर निगम की लापरवाही का शिकार हो रहा है। आलम यह है कि रोड रोलर बेहाली की कगार पर पहुंच चुका है। रोड रोलर के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड राज्य बनने से पहले नगर निगम ने इस धरोहर को नीलामी से बचाकर सहेज कर रखने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन रोड रोलर की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि कुछ समय पहले सौंदर्यकरण के लिए रोड रोलर पर रंग रोगन किया गया था, चारों तरफ रेलिंग बनाई गई थी, लेकिन अब इसके आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, झाड़ियां उगने लगी हैं, जो इसकी बदहाली को दर्शा रही हैं। अब सवाल इस बात का है, रोड रोलर के रखरखाव की जिम्मेदारी जब नगर निगम की ही है, तो फिर ये रोड रोलर निगम की लापरवाही की भेंट क्यों चढ़ रहा है? अंग्रेजों के टाइम का ही है, ये सड़क का रोलर था, ये सड़क के लिए चलने के लिए बनाया हुआ था अंग्रेजों ने, ये यहाँ निगम ने भी यूज किया है। पहले ये निगम के जो कॉम्प्लेक्स बनाया पहले यही था ये, उसके बाद ये रखा गया है। वैसे पुरानी धरोहर है, लेकिन आपने देखा होगा कितना कचरा पड़ा हुआ है। पहले यहाँ पर निगम द्वारा एक लाइट लगाई गई थी, लेकिन वो भी अब जो पोल हटा दिया गया, लाइट हटा दी, बिल्कुल यहाँ पर झाड़ झंकार रह रहा है। और आप ये देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। तो इस धरोहर का जो है निगम द्वारा भी जो है सही संरक्षण नहीं किया जा रहा है। ये जो है बहुत ही जो है अशोभनीय घटना।